मानकापुर पुलिस थाना अंतर्गत नौकरी लगाने के झूठे सपने दिखाकर लगभग 25 लाख की धोखाधड़ी करने का मामला सामने आया है, जिस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया है। शहर में बहुत ऐसे युवा हैं जो नौकरी पाने के लिए इच्छुक हैं, लेकिन वही शहर में ऐसे लोग भी हैं जो इन्हीं युवाओं को फंसाने के लिए जाल बिछाए तैयार है। अब ऐसा ही एक मामला मानकापुर पुलिस थाना अंतर्गत सामने आया है, जहां 24 वर्षीय फिरियादी रोहित शाहने को 58 वर्षीय अतुल कुलकर्णी, 24 वर्षीय पीयूष राउत और 54 वर्षीय विद्यासागर राउत, ऐसे कुल तीन आरोपियों को नौकरी देने का लालच देकर फंसाया। उन्होंने फिरियादी से कहा कि हमारी गोवा में SM नाम की कंपनी है, जहां हमें युवकों की जरूरत है, साथ ही हमें अपने व्यवसाय में निवेश की जरूरत है और हम हमारे निवेशकों को 15% कमीशन देंगे, ऐसा लालच दिया और फिरियादी समेत अन्य लोगों से 25,86,100 रुपए की ठगी की है। इस संदर्भ में मानकापुर पुलिस थाना की पुलिस ने अधिक जानकारी दी। रोहित शाहने करके एक लड़का था, उसके पिताजी नागपुर नागरिक बैंक में नौकरी करते थे और उनके बैंक में अमृता जोशी नामक एक महिला जॉब करती थी। तो उन्होंने एक ब्रिक्स मैजिक कंपनी में फ्लैट के लिए यार्ड दिया था। वो यार्ड पढ़ के एक अतुल कुलकर्णी करके बंदे थे आरोपी, जिसमें अभी वो आरोपी है, वो आ गए और उन्होंने फ्लैट के लिए उनसे बातचीत की और बिजनेस के बारे में भी बात की। उन्होंने ऐसा बोला कि हमारे गोवा में ऑयल एंड लुब्रिकेंट की कंपनी है, उसमें अगर आप इन्वेस्ट करोगे तो आपको 15% अमाउंट जो है वो आपको दिया जाएगा। और उन्होंने कुछ एक दो बार उनको वो अमाउंट दिया भी, उसके बाद यही बात उन्होंने जो फिरियादी है रोहित चाहने के पिताजी को बताई, उनके पिताजी ने अपने लड़के को बताया और उन्होंने उसमें इन्वेस्टमेंट की है। तो इस तरीके से ये उनकी फसल हुई है। तो इसमें पोस्टे मानकापुर अपराध क्रमांक 60/2021/420/406 एंड 34 ऐसे ऑफिस रजिस्टर हुए हैं, इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। पुलिस द्वारा बताया गया है कि इस संदर्भ में आगे की जांच जारी है। हालांकि इस घटना के बाद नागरिकों को यह समझने की जरूरत है कि उन्हें बिना सोचे समझे कहीं भी निवेश नहीं करना चाहिए, वह हमेशा सतर्क रहना चाहिए। कैमरा पर्सन माइकल के साथ दिशा हटवार की रिपोर्ट।